हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफ द शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट के स्पॉन्सरशिप प्रोसीजर के बारे में। एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट मतलब कोई भी एस्पिरेंट अगर ऐसा हो जो चाहता हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो जो सबसे पहला कंपनी होता है जिसमें वो जाना चाहता है वो होता है एंग्लो ईस्टर्न। मतलब किसी और कंपनी के बारे में उसको पहले पता चले या ना चले, वो जैसे ही गूगल सर्च करता है या कहीं भी सर्च करता है तो सबसे पहला जो इंडिया में इंस्टीट्यूट बोले या कंपनी होता है स्पॉन्सरशिप के लिए डीएनएस के लिए, वो उसको पता चलता है एंग्लो ईस्टर्न के बारे में। एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग शिप मैनेजमेंट का खुद का इंस्टीट्यूट है एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम अकेडमी, और इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है मतलब स्पॉन्सरशिप का प्रोसीजर, वो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट कंपनीज हैं उसके कंपैरिजन में सबसे टफ है। मतलब सेलेक्शन प्रोसीजर इनका इतना मतलब टफ भी नहीं बोलेंगे, मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे में और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर आप परफेक्ट हो तभी आपको एंग्लो ईस्टर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंग्लो ईस्टर्न के पूरे प्रोसीजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि हाँ हम लोग आईएमयू मेट में किस तरह से हेल्प करते हैं इस चीज को क्लियर करने में, और कैसे हम लोग मतलब ये सारे चीजें जो प्रोसेस है प्रोसीजर है इसको फॉलो करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले बता दें एंग्लो ईस्टर्न जो है उसका जो एडमिशन प्रोसीजर है स्पॉन्सरशिप का, वो तीन स्टेप में बटा हुआ है। सबसे पहला तो इनका हर सभी की तरह इनका पहले रिटेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर मेडिकल होता है। तो स्टार्ट करते हैं रिटेन टेस्ट से। सो रिटेन टेस्ट के लिए एंग्लो ईस्टर्न का डेट निकलता है, मतलब ये लोग नोटिफाई करते हैं कि इस डेट को इस सिटी में एग्जाम है, टेस्ट है। सो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप पहले एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं एंग्लो ईस्टर्न में तो 3 महीने बाद अलाउ होता है कि आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। सो टेस्ट के लिए अप्लाई करो। टेस्ट एप्लीकेशन इनका थोड़ा वो भी क्रिटिकल है, मतलब पहले अप्लाई करो, फिर पेमेंट का लिंक आएगा, सेंटर का लिंक आएगा, वो सब सेलेक्ट करो। सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये सबसे अच्छी चीज है। मतलब आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर आपको अलॉट होगा, वहां जाइए, वहां पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। सो अब इसमें हम लोग आईएमयू मेट में क्या करवाते हैं, ये जो अच्छा वो बताने से पहले टेस्ट का बता देते हैं। टेस्ट में क्या क्या होता है? टेस्ट में सबसे पहले तो 100 क्वेश्चंस होते हैं पीसीएम, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब के, जिसके लिए 2 घंटा मिलता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। उसके बाद से जो प्रोसेस होता है, मतलब 2 घंटे के एग्जाम के बाद उनका 1 घंटे का साइकोमेट्रिक होता है। अगर साइकोमेट्रिक की बात करें तो एंग्लो ईस्टर्न का साइकोमेट्रिक सबसे टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मतलब 1 घंटे में 240 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड, और बच्चे मोस्टली साइकोमेट्रिक में ही फेल होते हैं एंग्लो ईस्टर्न में, तो इस चीज को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे टेस्ट और फिर 1 घंटे का साइकोमेट्रिक। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करवाते हैं आईएमयू मेट में? हमारे पास मतलब बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और भी मटेरियल्स हैं एंग्लो ईस्टर्न के लिए, जो हम लोगों को बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उससे मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। साइकोमेट्रिक के लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल क्लास ही होती है, क्योंकि एंग्लो में साइकोमेट्रिक में ही बच्चे फेल होते हैं। और सबसे मजेदार बात बताते हैं, अगस्त बैच में हमारे जितने भी बच्चे गए थे मतलब एंग्लो ईस्टर्न के टेस्ट के लिए, मोस्टली बच्चे 2-2 घंटे में एग्जाम खत्म करके निकले। मतलब ये जो 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, वो कोई 30 मिनट में, कोई 35 मिनट में, कोई 40 मिनट में ऐसे कर ले रहा है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करवा चुके थे कि
कि कोई भी क्वेश्चन उन लोगों के लिए बस 15 से 20 सेकंड का खेलता मोस्टली, तो उनको मतलब इतने प्रीवियस क्वेश्चंस 1500 to 2000 क्वेश्चन बना चुके थे कि उसमें से कुछ ना कुछ तो 50% 60% क्वेश्चन मैच कर ही जाता है। उसके बाद से साइकोमेट्रिक के लिए हमारा प्रॉपर प्रैक्टिस होता है, सेशन होता है, फिर क्लासेस होती है उसके लिए। सो ये है हमारा कैसे हम लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। अब टेस्ट का रिजल्ट आता है 10 से 12 दिन में। अगर टेस्ट का रिजल्ट 2 दिन में आ गया, मेल आ गया एंग्लो ईस्टर्न से टेस्ट के रिजल्ट के बारे में, तो समझ लो फेल हो, क्योंकि जो भी साइकोमेट्रिक में फेल होते हैं उनको 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है कि हाँ यू आर फेल। सो 10 से अगर मान लो 4-5 दिन तक मेल नहीं आता है टेस्ट देने के बाद, तो 90% श्योर हो सकते हो कि हाँ तुम टेस्ट क्लियर कर लिए हो एंग्लो ईस्टर्न का। उसके बाद से 10-12 दिन बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बताया जाता है कि हाँ तुम मतलब पास हो, उसके नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए अब फॉलोअप करना। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर में वो लोग एक मेल भेजते हैं, उस मेल में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और साथ में होता है 2 क्वेश्चन, एक होता है कि आपको एसे लिखना है किसी टॉपिक पे और दूसरा होता है कि एक वीडियो बना के भेजो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट, पहले इंट्रोडक्शन एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसमें क्या करवाते हैं IMMET में, हम लोग मतलब हमारे जो भी पहले के प्रीवियस बच्चे हैं मोस्टली वही लोग गाइड कर देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे इसको कर दो, इसको ऐसे डॉक्यूमेंट भेज दो, ऐसे 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 के लिए भी हम लोग क्लासेस करवाते हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, स्पेशली एंग्लो ईस्टर्न के लिए ही वो ऐसे का क्लासेस होता है। और फिर वीडियो में भी गाइड कर देते हैं कि हाँ ऐसे वीडियो बना के भेज दो। वीडियो ये सब भेजने के बाद मेल आता है इंटरव्यू का। अगर तुम मुंबई में, अब 2 चीजें इंटरव्यू का, एक होता है अगर तुम मुंबई में अप्लाई किए हो, टेस्ट दिए हो मुंबई में, तो तुम्हारा 2 इंटरव्यू होगा, एक इंटरव्यू होगा मुंबई में सेंटर पे और दूसरा हो जाएगा ऑनलाइन। और अगर उसके अलावा तुम कहीं भी अप्लाई किए हो, मतलब कहीं से भी अप्लाई किए हो, तो एक ही इंटरव्यू होगा, वो भी तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मुंबई वालों के लिए मतलब एक तरह से फायदा भी है, नुकसान तो नहीं बोलेंगे, फायदा ही है, तो क्योंकि एक मुंबई में नजदीक जाके दे देते हैं और दूसरा ऑनलाइन दे देते हैं। अब इंटरव्यू एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू, मतलब एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में हमारा जब बेस्ट कैंडिडेट भी जाता है ना, तो हमारा मतलब धक धक होते रहता है। क्यों? क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में एक मिस्टेक या तो फेल या तो रिशेड्यूल, मतलब एक गलती यू कैन नॉट अफोर्ड। और उसके बाद से मतलब इंटरव्यू, तो मतलब इंटरव्यू के बारे में बताते हैं क्या है। जैसे ही इंटरव्यू में सुबह में गए, तुम सुबह पहुंचे, 9 बजे से टाइमिंग रहता है, पहुंचोगे तुमको एक पेपर दे दिया जाएगा, इससे का टॉपिक दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इससे लिखो, इससे लिख के तुम सबमिट करोगे, तुम्हारा पेपर जाएगा इंटरव्यूअर के पास, इंटरव्यूअर पहले इससे पढ़ेगा। ये इससे सिर्फ दिखावा के लिए नहीं होता, इससे मतलब 70% बच्चे तो इससे की वजह से रिजेक्ट होते हैं। इससे में वो लोग देखते हैं कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक किए हो, कैसी थिंकिंग है, और फिर क्या क्या गलती, स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत देखते हैं। सो तुम्हारा गलती वही फर्स्ट इम्प्रेशन हो जाता है। अगर इससे अच्छा है तब वो लोग इजी अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, पहले पर्सनल से स्टार्ट करेंगे। पर्सनल अगर तुम अच्छा दे देते हो, पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंग्लो में, एंग्लो के पर्सनल क्वेश्चन भी थोड़े अलग हट के होते हैं, अगर वो तुम अच्छे से कर लेते हो तो फिर तुमसे टेक्निकल के थोड़े इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे और मैथ के थोड़े इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा गया है और मैथ्स में तुम कुछ गड़बड़ करते हो तो तुमको एक चांस मिल जाता है, बट टेक्निकल में कोई चांस नहीं। अगर तुम एक गलती करते हो वो बोलेंगे अच्छा बेटा तुम 2 महीने बाद वापस इंटरव्यू देने आओ, ठीक है। सो ये होता है एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर। अगर तुम्हारा इससे गड़बड़ हुआ तो पर्सनल तो ये ठीक ठाक पूछेंगे, उसके बाद से टेक्निकल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम एक भी जवाब नहीं दोगे और सीधे सीधे रिजेक्ट। अब इसमें हम लोग IMMET में क्या करवाते हैं, तो देखो एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू ही सबसे मेन होता है। मतलब इंटरव्यू बोले तो भाई साहब मतलब परफेक्शन, एंग्लो ईस्टर्न को पूरा परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए।
सो उसमें हम लोग इतना प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारे पास एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस के सेट हैं, मतलब वहाँ पे जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो या फिर टेक्निकल के या पर्सनल के, सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, मतलब हमारे इतने सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, तो वो लोग भी अगर कुछ नया क्वेश्चन भी आता है तो हम लोग के पास आ जाता है, सो वो क्वेश्चन हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, मॉक इंटरव्यू के थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं, डिस्कशन सेशन के थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं, और भी मतलब जो भी बच्चा हमारा इंटरव्यू देने जा रहा है उसके कुछ दिन पहले से एक मेंटर उसके पीछे लग जाता है कि हाँ मैथ्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन और फिर टेक्निकल ये सब के लिए। सो एंग्लो स्टूडेंट को अगर कहा जाए, अगर हम लोग इंटरव्यू अगर सीरियस लेते हैं सबसे ज्यादा, तो वो है एंग्लो स्टूडेंट, और उसका रीजन यही है क्योंकि एंग्लो स्टूडेंट का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, बहुत टफ नहीं बोलेंगे मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं, तुम एक गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग आईएमयू मीट में करवाते हैं, अच्छे से पूरा तैयार करके भेजते हैं। अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज हमेशा से फायदेमंद होता है, मोस्ट वो भी स्पेशली एंग्लो स्टूडेंट के लिए। सो हमारा नेक्स्ट बैच 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और उसी के आसपास उससे पहले ही एंग्लो ईस्टर्न के फॉर्म्स भी आ जाएंगे, एंग्लो ईस्टर्न का सारा प्रोसीजर सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगा, तो बेटर है डिले नहीं करो, अगर अभी भी ज्वाइन करते हो, बैच क्लासेस 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी बट प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट हो जाएंगी, डिस्कशन सेशन मॉक इंटरव्यू ये सब अभी से स्टार्ट हो जाएगी, तो डिले नहीं करो, जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करो। अगर नेक्स्ट आईएमयू सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अगस्त बैच के लिए, तब भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सो उस नंबर पे कांटेक्ट करो, सारा डिटेल्स मिल जाएगा क्लासेस के। हमारी फी बहुत कम है, मतलब आईएमयू मेट की फीस के वजह से ही इतने सारे बच्चे भी हैं हमारे पास, फी भी है और हमारा जो प्रिपरेशन का तरीका वो अलग है सबसे, तो इस वजह से बहुत बच्चे हैं हमारे पास, तो टेंशन नहीं लो, बस आओ साथ में प्रिपेयर करो और सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है, चलो रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।